जो भी हो रहा है वायलेंस त्रिपुरा में इन द बिल्डअप टू द इलेक्शन अनफॉर्चुनेटली और बहुत खराब बात है। पूरे आज आप नेशनल मीडिया में भी अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो त्रिपुरा का छवि खराब हो रहा है। इलेक्शन 28 तारीख के बाद खत्म, लेकिन जो इम्प्रेशन त्रिपुरा के बारे पूरे इंडिया में जा रहा है कि यहाँ में आप इन्वेस्टमेंट करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ में वायलेंस है, यहाँ में पॉलिटिकल इंटॉलरेंस है, तो नेशनल मीडिया में जो न्यूज जा रहा है त्रिपुरा के बारे, वेदर माइनॉरिटी के खिलाफ अटैक्स हुआ हो या पुलिस एक्शन हुआ हो जर्नलिस्ट के खिलाफ या फिर कल जो वायलेंस हुआ है, उससे हमारा पूरा राज्य का छवि नष्ट हो रहा है और ये मुझे खराब लगता है क्योंकि हर चीज में पॉलिटिक्स ला के स्टेट का इमेज खराब करने से किसी को कुछ फायदा नहीं मिलेगा। मेरा भी आज रैली था, वो भी कैंसिल किया गया, पुलिस वाज कैंसिल लास्ट मोमेंट। आज मेरा रैली था अगरतला में, लेकिन हमारे से छोटे पार्टी का भी रैली कैंसिल किया गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट गवर्नमेंट को फिर से रिकंसिडर करना चाहिए और सब पार्टी को बुलाकर एक बार मीटिंग करना चाहिए सेक्रेटेरिएट में, क्योंकि ये जो चल रहा है त्रिपुरा में ये किसी के लिए लॉन्ग टर्म में किसी को फायदा नहीं करेगा। ये पॉलिटिकल वायलेंस को खत्म करना चाहिए। अटैक हुआ था एसडीएम के ऑफिस में 9th of April में, सीसीटीवी कैमरा में पूरा फुटेज है। अभी तक जिस लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया आज तक उनको अरेस्ट भी नहीं किया गया। तो जब अगर आप ऐसे लोगों को आप अरेस्ट नहीं करेंगे, इनके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगे, तो सबको लगता है कि वो त्रिपुरा में कुछ भी कर सकता है, उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट। तो गवर्नमेंट हैज टू बी फेयर टू ऑल, ऑपोजिशन हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। एंड आई थिंक मेरा एक ही कहना है कि दिल्ली पूरा इंडिया हमारे ऊपर देखकर कुछ और कह रहा है। हम सब त्रिपुरा को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट शुड इन्वाइट ऑल द पोलिटिकल पार्टीज बिफोर 25 तारीख एंड हैव अ ऑल पार्टी मीटिंग टू स्टॉप दिस लेवल ऑफ वायलेंस।